हाय हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाधीन एंड वेलकम टू आवर चैनल एचडी गार्डन एंड टिप्स। सो दोस्तों, आज हम कुछ एक लाइव फार्म आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलरली जो वाटर बॉडी है, इसको मैं 4 से 5 महीने से इसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप देख पा रहे हो, ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, तो जो पोल तक का जो एरिया है, इधर और कुछ टैंक बैठेगा, ठीक है, 4-5 और टैंक बैठेगा इधर। तो इसका जो पर्टिकुलरली जो है ना, ये जो आपको जो तालाब दिख रहा है, ठीक है, इस पर थोड़ा लो डेंसिटी मछली है, ठीक है। लो डेंसिटी इन द सेंस, अगर आप देखते हो, ये काफ़ी बड़ा तालाब है और इसमें जो हमने बैक्टीरिया जो एक्टिवेट करके रखा है, ठीक है, ये आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। और इस तालाब से जो पानी है ना, ये आप देख रहे हो ना, ये जो जरबेरा का प्लांट है अंदर, जो पॉली हाउस है, उस पर जाता है, ठीक है। और दूसरी बात जो अगर है, मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें मछली है जो है ना, इसमें कैटलुक मछली है और कॉम्बिनेशन के साथ इसमें तेलापिया मछली है, ठीक है। इसमें क्लोज टू मुझे जितना याद है, हम लोग 4.5 महीने पहले हम लोग इसको कितना क्लोज टू 5000 मछली डाला था, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंसिटी मछली डालूंगा तो इसमें अमोनिया का प्रॉब्लम होगा। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है ना, इसमें एरिएशन हम नहीं दे रहे अभी फ़िलहाल। इसके जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम साइनोबैक्टीरिया दे रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर आप देख रहे हो ना, आसमान पूरा खाली है, इसमें धूप आ रहा है, तो इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया एक्टिवेटेड है, जो नेचुरल प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस करता है और इसमें ऑक्सीजन क्रिएट करता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन कभी भी 5 के ऊपर रहता है, पीएच बहुत अच्छे से मेंटेन है, हाई लो डेंसिटी के कारण, ठीक है। इसका जो सैलिनिटी है, ये 2 PPT के अंदर है, तो चीज़ें जो पैरामीटर से काफ़ी मेंटेन है, ठीक है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप देख सकते हो ना, अभी भी गोइंग फॉरवर्ड इसको मैं ही मेंटेन करूँगा। ये वाला नेचुरल वाला रहेगा, जो साइनोबैक्टीरिया से चलेगा बिना ऑक्सीजन। उसके साथ 2-4 टैंक दशहरे के बाद और लग जाएगा उधर, ठीक है, वो आपके प्रॉपर बायोफ्लॉक से चलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अगर आपको मछली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। हलचल तो है पानी का और बहुत मुश्किल से मिल रहा है, ठीक है, मछली अभी देखने को, क्योंकि अभी शाम का टाइम है। उधर एक झुंड पे जा रहा है, आप बहुत नज़दीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा। मेन है कि इसका जो है ना, डेप्थ कुछ ज़्यादा है, 15 फीट के आसपास डेप्थ है, क्योंकि ये अगर आप देखते हो ना, ये वाला जो है ना, ये इनलेट है, ठीक है। इसमें हम लोग जो पानी रख रहे हैं ना, ये कम्प्लीटली आपको रेन वाटर है, ठीक है। हम ग्राउंड वाटर इस पर यूज़ नहीं कर रहे। ये अपना डॉगी है जो फार्म को देखता है, ठीक है। दूसरे वाला जो अभी, ये जो है ना, ये एक सॉर्ट ऑफ सबमर्ज पंप है, जो इस साइड जो है ना, इस साइड थोड़ा ढलाव थोड़ा ज़्यादा है, इधर जितने भी कचरा आता है ना, हम कभी कभी इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। और उसके साथ ये पानी भी हम निकाल लेते हैं जो अपने फार्म को जाता है, ठीक है। अगर आप देख सकते हो तो प्रॉपरली ये बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास कुछ एग्रीकल्चर है, अगर आप कोई भी पानी इकट्ठा कर रहे हो, आप आराम से उसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्टिवेट करो, ठीक है। उसके साथ क्या है ना, आप साइनोबैक्टीरिया एक्टिवेट करो तो आपको डिसॉल्व ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप नज़दीक से जाओगे ना, थोड़े अंदर पे जाओगे ना, आपको जो ब्लू ग्रीन टाइप का एक लेयर दिखेगा, वो एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया है, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा है। अब देखो इसको, मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट दिखाते जाऊँगा, अभी 2-3 साल 4 साल ये आपको दिखेगा, ठीक है। आप देख रहे हो तो मछली का हलचल भी है। और जो जो नारियल का पेड़ जो है, जो पोल तक पे है ना, उसमें और भी 2-3-4 टैंक लगेगा, ठीक है, जो प्रॉपर बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी पे होगा। क्योंकि ये जो है ना, इसको मैंने इसलिए मैंने चूज़ किया, क्योंकि ये आप देख रहे हो ना, ये मेरा अपार्टमेंट जो है वाइट वाला, ये मेरे अपार्टमेंट से एकदम लगा हुआ है, ठीक है। तो मेरे नज़रे के सामने रहेगा, और इसीलिए मैंने सोचा कि यही मेरे लिए बेस्ट है, और इसी में मैं ज़्यादा टाइम फोकस करूँ, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है दोस्तों, हम और भी सारे वीडियो के साथ आएंगे, और मोस्टली मैं इसका हार्वेस्टिंग भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इसका हार्वेस्टिंग भी आपको दिखाऊंगा। थोड़ा डेप्थ बहुत ज़्यादा है बोल के आपको मछली का बहुत ज़्यादा हलचल नहीं दिख रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।